है कि जैसा आपने कहा कि लड़की को मेहर देना फर्ज है, लड़के वाले मेहर देते वक्त तो कहे कि मेहर देते वक्त एक्स्ट्रा पैसे दिए, कहे कि हमने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए उसी में शादी का खर्च हो खर्च, और उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसे खर्च ना करे, तो ये कहा सकते भाई का ये सवाल था कि कोई लड़के वाले हैं वो लड़की को मेहर दे रहे हैं और मेहर के साथ कुछ रकम भी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई आपकी बच्ची की शादी में इस्तेमाल की जाए, ठीक है, और इससे ज्यादा मत लगाओ, मतलब इतने में कर लो। मैं समझता हूँ इसमें कोई खबात नहीं, कोई बुराई नहीं कि अगर कुछ तैयारियों के लिए, कुछ जरूरतों के लिए, कुछ जायज चीज़ों के लिए अगर लड़के वाले अपनी तरफ से कुछ रकम दे दे रहे हैं तो इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन हरगिज इसके पीछे लड़के वालों का ये नियत ना हो कि वो हमारे स्टेटस के नहीं है तो उनको देके स्टेटस में लाया जाए, ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है। मतलब जैसा कि लड़की गरीब है लेकिन लड़के को पसंद आ गई दीनदार है, अब चलो कर लेते, अब कर लेते तो क्या करना है, उनका स्टेटस रेज करना है, कैसे रेज करना है, पैसे दे देकर समझ आपकी स्टेटस रेज होंगे, वैसा है तो गलत है, लेकिन अगर वो मुखलिस लोग हैं माशाल्लाह और वो लड़की वालों के हालात देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मेहर के अलावा भी कुछ देते इनकी मदद होंगी, तो अगर उस जैसे कि लड़की कुछ कपड़े वगैरह ले ले, तोहफे वगैरह ले ले, या कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए, उसकी खुशी के लिए, और वो दे रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहना है, अली रज़ी अल्लाह ने जो पैसे लाए 480 दिरहम उसी में से खुशबू वगैरह मंगवाई और उसी पैसों से अली को ये सारी चीज़ें दिलवाई है ना, तो और ये जबकि अली ने कहा था ये मेहर की रकम है, मेहर से कुछ लिया जा सकता है, अगर वो ऐसा करते हैं इंशाल्लाह खालिस नीयत के साथ तो उसमें कोई इंशाल्लाह खबात नहीं लेने में, लेकिन अगर वो मसला वो जो मैं बोला स्टेटस का है तो उनको बोलिए भाई हमारा तो यही मुकाम है, हम तो ऐसे ही कर सकते हैं, आप ऐसा मत, लेकिन वो मुखलिस लोग हैं आप जानते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, उनकी बिल्कुल ये नीयत नहीं है, तो लेने में इंशाल्लाह कोई शरीफ खबात उसमें नज़र नहीं आती, तो आखिर दावा।